हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं ये ब्रेड रोल। इस ब्रेड रोल की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आपको खाने में समोसे और पकौड़े से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसको बनाना बिल्कुल एकदम आसान है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो जाते हैं। अगर आज से पहले आपने कभी ब्रेड रोल नहीं खाया इस तरह से बनाकर, तो आप बनाकर ज़रूर खाएँ। बिल्कुल कम समय में बनने वाला ये नाश्ता आपके घर में हर किसी बच्चे को, हर किसी बड़े को खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। आप बच्चे के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में मैंने 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में कसूरी मेथी क्रश करके डाल दिया है। इनको लाइट ब्राउन होने के बाद अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इतना ही आपको प्याज को फ्राई करना है। अब आप इसमें टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ। यहाँ पर हम आधा प्याज और आधा टमाटर यूज़ करेंगे। इसी के साथ मैंने कुछ क्रश किया हुआ पनीर इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो कोई और वेजिटेबल भी इसमें डाल सकते हैं। अब इस मसाले को हम 1 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, फिर गैस को ऑफ कर देंगे। अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको हमने उबाल कर कद्दूकस कर लिया है। अब इसी के साथ हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। नमक और लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। इसी के साथ हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस मसाले को बिल्कुल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। ध्यान रहे यहाँ पर चम्मच चलाते रहना, वरना नीचे मसाला जल सकता है। अब इस मसाले को फ्राई होने के बाद गैस ऑफ करके हम एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब हमने यहाँ पर कुछ ब्रेड के पीसेस लिए हैं। 2 ब्रेड है जो है हमारी वाइट है, 2 ब्राउन है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं और उनके साइड्स को कट कर लेना। अब एक प्लेट में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी में हम ब्रेड को ऐसे डिप करके, दोनों साइड से डिप करके अच्छे से पानी को निकाल देंगे। फिर हम इसके अंदर आलू वाला जो हमारा मसाला ठंडा हो चुका था उसको अच्छे से रखेंगे और ब्रेड को चारों कोनों से अच्छे से बंद कर देंगे। आप ध्यान से देखना कि मैंने किस तरह से इन ब्रेड को रोल किया है। आप यहाँ पर चाहे तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, बट मैंने इसको ओवल शेप में ही रखा है। अब इसी तरह मैंने वाइट ब्रेड के साथ किया, दोनों तरफ से डिप कर दिया, दोनों हाथों के बीच में रख के इनको इसके पानी को निकाल दिया है। फिर आलू का मसाला इसमें डाला है और दोनों हाथों के बीच में रखते हुए इसको भी ऐसे ही बंद कर दिया है। यहाँ पर इसी तरह रोल करते हुए सारे ब्रेड को हमने रेडी कर लिया है, ब्रेड रोल बना करके एक साइड में रख दिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पर हम कुछ ब्रेड क्रम्स लेंगे। ब्रेड क्रम्स हमने यहाँ पर ब्रेड को पीस करके ले लिया है। ब्रेड के कॉर्नर्स भी हमने इसी में ही पीस दिए थे। अब हम अपने रोल को ब्रेड क्रम से, ब्रेड के जो चूरा है उसके साथ पूरी तरह से कवर कर देंगे अच्छे से दबाते हुए, जिससे कि हमारे ब्रेड रोल जो हैं फटेंगे नहीं। आप ध्यान से देखना, यहाँ पर जो मेरा ये ब्रेड रोल फटा हुआ है, ये हमारा पूरा ब्रेड क्रम से, ब्रेड के चूरे से कवर हो जाएगा। बहुत अच्छी तरह से दबाते हुए हमें इसे अच्छे से कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा फ्राई करते वक्त ये ब्रेड रोल ज़रा सा भी फटेगा नहीं। ये देखिए, अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। फिर एक स्ट्रेनर में आप इस तरह से रोल को रखें और कढ़ाई के अंदर डाल दें। अगर आपको लगता है कि आपका रोल नीचे चिपक जाएगा, नहीं तो आप नॉर्मली ऐसे भी पकौड़ों की तरह, जैसे मैंने नॉर्मली डाल दिया है, ऐसे भी डाल सकते हैं और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना। फ्राई करने के बाद हम इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इतने क्रिस्पी दिखाई दे रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। अब आप इस रेसिपी को ट्राई करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।